The question given is, if alpha, beta are the roots of the equation x square minus 15x plus 1 equals to 0, then we have to find the value of 1 by alpha minus 15 to the power minus 2 plus 1 by beta minus 15 to the power minus 2. तो हमें क्या given है? अगर हमें पता है कोई quadratic equation general ax square plus bx plus c equals to 0 है और उसके roots है x1 and x2, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए के इक्वल, दैट मीन्स एक्स वन इंटू एक्स टू इक्वल्स टू सी बाई ए. अब हमें तो क्या इक्वेशन गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, दैट मीन्स alpha plus beta equals to minus of minus 15 by 1, that is alpha plus beta equals to 15. तो ये हो गया हमारा equation number 1, and alpha beta equals to 1 upon 1, that means alpha beta equals to 1. तो ये हो गया equation number 2. हमें value किसकी find करनी है? हमें value find करनी है 1 by alpha minus 15 to the power minus 2 plus 1 by beta minus 15 to the power minus 2. अब हम यहाँ पे 1 और 15 के जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा की जगह आ जाए, 1 की जगह का अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस 15 कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस अल्फ़ा बीटा बाय बीटा माइनस 15 टू द पावर माइनस 2. तो इसको ये कितना हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टू द पावर माइनस 2 प्लस अल्फ़ा माइनस, सॉरी यहाँ पर हमने 15 की जगह सब्सटीट्यूट करना है, 15 की जगह आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ पे भी वही आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा टू द पावर माइनस 2. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा टू द पावर माइनस 2 इंटू प्लस माइनस बीटा टू द पावर माइनस 2. अब हमें पता है कि एक्स टू द पावर माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स टू द पावर एन. तो ये फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 1 बाई अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई बीटा का स्क्वायर, दैट इज 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर. अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट एलसीएम ले ले तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ये कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. अगर ये चीज़ हम इधर सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर. अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 15 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1. 15 स्क्वायर मतलब 225, तो 225 माइनस 2, दैट इज 223. सो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 15 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 15 टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू कितनी होती है? 223. सो दिस इज़ आर आंसर, दैट इज ऑप्शन